सिद्धार्थं नमो अरहंताडं नमो सिद्धार्थं नमो आयरियाडं नमो उवज्जायाडं नमो लोये सब साहूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराक्षी नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमलों कोटि माम ध्वजों की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महा महोत्सव की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भव्य बंधु, निगोद से प्रारंभ हुई यात्रा कैसे निर्वाण की ओर बढ़ती है, इसे जानने का प्रयास आपने और हमने किया। ये निगोद से प्रारंभ हुई यात्रा निर्वाण तक की सरल नहीं है, सरल नहीं है, अत्यंत कठिन है। लेकिन अगर भावों की विशुद्धि हो, उपादान की शक्ति जागृत हो जाए, ये निर्वाण की यात्रा अत्यंत सरल है। निगोद में जीव अनादि से है, ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने अभी तक निगोद वास को ही नहीं छोड़ा, उन्होंने अभी तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं करी, वो निगोदिया ही हैं। ऐसे अनंत जीव हैं, अति अनंत जीवा तेसिम न पत्तो ततान परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। ऐसे अनंत जीव हैं, उन्होंने अभी तक निगोद के वास को नहीं छोड़ा, उनके भाव कलंक सुपौरा अत्यंत कसाय से युक्त परिणाम है। जिनको भी अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ करनी है, सौदर्म इंद्र जी, कसाय को मंद करना प्रारंभ कर दीजिए। व्यापार हो, घर हो, कुछ भी हो, कसाय को अत्यंत मंद कर लीजिए। व्यक्ति और वस्तु के प्रति अगर आपकी कसाय है, सत्य मानना आपका संसार भी अनंत गुना है। भोग भूमिया जीव बिना तपस्या के, बिना सम्यक्त के, बिना किसी प्रकार के त्याग के स्वर्ग चला जाता है, कसाय की मंदता के कारण। और ये जो कसाय की मंदता है, ये आपके राग और द्वेष के कम होने से आएगी। कठिन है, कठिन है। निमित्तों को प्राप्त करके भी धैर्य बांध कर रखना अपने आप को कठिन है। नायक जी, जितने पिता बैठे हैं उनसे एक बात कहनी है, जितने पुत्र बैठे हैं, बच्चे बैठे, उनसे बात कहनी है। पड़ोसी गाली दे दे उतना धक्का नहीं लगता, जितना बेटा गाली दे दे उतना धक्का लगता है। ऊंची आवाज में कोई भी कुछ कह दे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा अगर ऊंची आवाज में कह दे अभी शांत रहो, बहुत दर्द होता है। अनिल भी आए क्या? आनंद दिया, लेकिन संतान को तब मालूम चलेगा उस दर्द का, जिस दिन वो पिता बनेगा, जिस दिन वो मां बनेगा, उसको मालूम चलेगा संतान ऊंची आवाज में कह दे कितना दर्द होता है। ये कसाई की ममता का पुरुषार्थ, सबसे प्रथम पुरुषार्थ, जब कसाई मंद होती है तब कहीं जाकर के जीव चौथे गुण स्थान को प्राप्त कर पाता है। केवल कसाय की मंदता ही नहीं, देव शास्त्र और गुरु के प्रति ऐसा श्रद्धान हो, ऐसा श्रद्धान हो, आत्मा की प्रतीति हो, तब तीन करण परिणाम करके जीव सम्यक को प्राप्त करता है। लेकिन क्या बताएं,
जैसे एक टोकरी में, एक टोकरी में आप केकड़े भर के रख देना, एक भी बाहर नहीं निकल पाएगा बिना ढक्कन के। क्यों? एक केकड़ा दूसरे केकड़े की टांग पकड़ के नीचे खींचता है। ऐसे ही जो पूर्वकृत परिणाम है वो आपके टांग खींचे गुण स्थान को पुनः तीसरा दूसरा और पहले तक ले जाके फिर खड़ा कर देता है। फिर जीव का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है, फिर कभी उसको तीसरा गुण स्थान मिलता है, चौथा गुण स्थान मिलता है। अनंत पर्यायों के निकलने के बाद ये मनुष्य पर्याय मिली है भैया, तिर्यंच पर्याय मिली, वहां जीव हिंसा करी नरक चले गए, फिर वहां से निकले फिर तिर्यंच पर्याय मिली, फिर जीव हिंसा करी फिर नरक चले गए, मनुष्य पर्याय नहीं मिल पाई निगोच चला गया, फिर से जीव। मां विचार करना, हिंसा का त्याग है आपका, लेकिन कहीं दूसरे के लिए हिंसा करके अपने लिए नरक का द्वार तो नहीं खोल रहे हो? रात्रि भोजन करने का त्याग है, अभक्ष पदार्थ खाने का त्याग है, लेकिन परिवारजनों को संबंधियों को अगर आप खिलाते हो मां, एक ही पाप है, बराबर ही पाप लगेगा। फिर कभी जाके मनुष्य पर्याय मिली, फिर जीव ने पुरुषार्थ प्रारंभ किया, लेकिन उच्च कुल नहीं मिला, मिथ्यात्म ही भटकता रहा। पुनः पुरुषार्थ हुआ, पुनः पुरुषार्थ हुआ, कसाय की मंदता आई, जैन कुल मिल गया, जैन कुल मिल गया, लेकिन देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं आई। अब वो श्रद्धा ही नहीं आई है, क्रिया कैसे होगी? क्रिया कैसे होगी बिनी? भैया आपका बहुत पुण्य तेज है, आपका बहुत पुण्य तेज है, आपके अंतरंग में गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत हुई है, आपका बहुत पुण्य तेज है, आपका गुरु देव शास्त्र तीनों के प्रति श्रद्धा जागृत हुई है। वो श्रद्धा जागृत होती है, फिर कभी किसी पर्याय में अनुव्रत लेने के भाव हो पाते, अनुव्रत नहीं ले पाता जीव। जितने प्रतिमाधारी हैं भैया, अपनी अपनी अंतरंग से पीठ ठोक लेना, चलो हमने उन अनंत पर्यायों के निकलने के बाद अनुव्रत को धारण करने के भाव बनाए हैं और अनुव्रत धारण किए। ऐसे अनेकों अनुव्रतधारी जीव, सहस्त्रों अनुव्रतधारी जीव भाव बना पाते हैं, महाव्रत को प्राप्त नहीं कर पाते। पांचवा गुण स्थान पाना सरल नहीं है, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, पंचम गुण ठाना नहीं पड़ा। पांचवा गुण स्थान प्राप्त करना भी बहुत कठिन है, फिर क्या पता कैसा कर्म का योग आया, छठवा गुण स्थान मिला, पांचवे से जीव सीधा पहुंचता है सातवें में, सातवें गुण स्थान से आता है छठवें में, छठवें सातवें में झूलता रहता है, झूलता रहता है। कभी कभी ये भी स्थिति आ जाती है, विषय कसायों में आकर के पांचवें गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में भी जीव पहुंच जाता है, द्रव्य लिंग से छठवां गुण स्थान, भावों से चौथा पांचवा गुण स्थान, और द्रव्य लिंग प्राप्त करके, भाव लिंग प्राप्त करके भी जिन वाणी के प्रति अश्रद्धा आ गई, स्वच्छंद बोलने की प्रवृत्ति आ गई, कपड़े उतरे रहते हैं, गुण स्थान पहला पहुंच जाता है। क्या पुरुषार्थ चाहिए? देखो जीव के लिए क्या, कितना पुरुषार्थ चाहिए? धन कमाया आप लोगों ने? धन कमाया आप लोगों ने? धन कमाया आप लोगों ने? व्यापार चालू करते हो, कितनी मेहनत लगती है? 100 रुपए की 102 करने में कितनी मेहनत लगती है?
विचार करो, धन कमाने में, धन की संख्या बढ़ाने में इतनी मेहनत लगती है, गुणस्थान बढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है। फिर और कसाए मंद हुई, जीव ने आठवां गुणस्थान प्राप्त किया, लेकिन आठवां गुणस्थान उपशम श्रेणी का मिल गया, तो आठवां नौवां दसवां मिला तो ग्यारहवें में पहुंचा, ग्यारहवें से पुनः नीचे उतर करके छठवें सातवें में आ गया। और अगर भाव छह हो गया, काल छह हो गया, उस ग्यारहवें दसवें नौवें गुणस्थान में मरण करके जीव सर्वार सिद्धि पहुंच गया, अब रहो तैतीस सागर फिर से संसार में। कितना समय? तैतीस सागर रहो फिर से, तैतीस सागर संसार में। फिर यात्रा प्रारंभ हुई चौथे गुणस्थान से, पांचवे की, छठवे की, सातवे की, आठवे की, लेकिन क्या पता कब जीव की भवितव्यता जाग जाए। कंचे खेले आप में से किसी ने? कंचे, कंचे किस किस ने खेले? खेले हैं सिवनी वाले, मतलब पुराने सुधीर भैया कंचे खेले। एक बार में निशाना लग जाता था, हर बार दादा भाई कंचे खेले क्या? पक्का वो दिन याद है कंचे खेलने के? अरे आप अपनी बताओ, भगवान की तो हम बताएंगे। जब सुमित कंचे खेलते हैं तो कंचे खेलते खेलते कई बार निशाना नहीं लगता, एक बार में नहीं लगता। देखो निशाने निशाने का फेर देखो, भगवान ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग गए छद्मस्थ अवस्था में केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। वहीं बाहुबली भगवान को 1 वर्ष लगे और उनके बड़े भ्राता भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्त में क्या निशाना लगा, और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लगा। अपने अपने जीव की एकाग्रता और भवितव्यता है, फिर कभी निशाना लगा। इस बार जीव को उपशम श्रेणी मिली, उपशम श्रेणी मिली, फिर से नीचे आ गया। चलता रहा उपशम श्रेणी से, कई बार असंख्यात बार उपशम श्रेणी प्राप्त कर ली, फिर कहीं जीव को छपक श्रेणी मिली, आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां नहीं इस बार बारहवां, बारहवां गुणस्थान प्राप्त हुआ। और अल्प समय बचा है, बस जैसे भावरे होने के बाद, भावरे होने के बाद अब चेहरा देखने मिलेगा, बस भावरे हो गई, बारहवां गुणस्थान से सीधा भगवान 13वें गुणस्थान में सहयोग केवली बनकर बैठे। ये तीर्थंकर महामुनि की अपन सबके लिए दान की प्रवृत्ति है, वो अपना अपना स्वयं का समय का उपदेश दे करके हम जीवों का कल्याण करते हैं। ये आचार्यों की, गुरुओं की आपके प्रति अनुकंपा है, अपनी साधना का समय निकालकर आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, कम नहीं है। आर जो बेटा गुरु जन का उपकार कभी नहीं भूलना। जीवन में एक बात ध्यान रखना, जिसने अगर तुम्हारे लिए कभी भी छोटी सी भी मदद की हो, नहीं कृतम उपकारा साधवो विस्मरन्ति, सज्जन पुरुष किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलते। तीर्थंकर महामुनि भी अंतरंग में एक बार को पूर्व पर्याय में उनको याद करते हैं, जिन गुरु के कारण वो मोक्ष मार्ग में आए थे। आप तो देख रहे हो तीर्थंकर महामुनि को, लेकिन देखो 13वां गुणस्थान प्राप्त करने के लिए बिनी सबसे पहले क्या करना पड़ा बता दूंगा पंडित जी। सबसे पहला पुरुषार्थ जो पहले गुणस्थान में जीव ने किया था, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी गुणस्थान पहला था, तब जीव ने विनय मिथ्यात्व को धारण किया था। विनयो मुख्य द्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है। पहले मिथ्यात्म में
गुण स्थान में जीव विनय में त्याग धारण करता है, फिर सम्यक प्राप्त करके विनय संपन्नता भावना भाता है। उस विनय को मत भूल जाना, उस विनय को मत भूल जाना। विशु बाहर से हाथ जोड़ना और अंदर से झुकना, दोनों में अंतर होता कि नहीं? दुकान में अगर कोई इनकम टैक्स वाला आ जाए तो व्यक्ति कहता है आइए साहब, आइए साहब, और अंदर से कहता है आ गया सांप वो हाथ जोड़ना कोई प्रणाम नहीं है, अंतरंग में श्रद्धा होना चाहिए। गुरुओं के पास भी जब भी जाना भैया, अंतरंग की श्रद्धा लेके जाना, अंतरंग की श्रद्धा लेके जाना, तब तुम्हारा गुणस्थान का वृद्धिकरण प्रारंभ होगा। 13वें गुणस्थान में भगवान पहुंचकर भ्रमण करते हैं, देशों देश जिन शासन का उपदेश देते हैं, अनेकों जीव सम्यक प्राप्त करते हैं, अनेकों जीव रत्नत्रय प्राप्त करते हैं, और कई जीव ऐसे भी होते हैं जो तीर्थंकर का सानिध्य प्राप्त करके भी मिथ्यात्व नहीं छोड़ पाते कि उनकी भवितव्यता ही नहीं है। प्रियान कब कब गुरु मिलते हैं विचार कर लो भाई, कोई निश्चित नहीं है, आज है कल नहीं है। आहार तक सबके साथ थे, आहार के बाद किसी को देखने नहीं मिले। सबका अपना अपना आयु कर्म है, सबका अपना अपना नियोग है। एक बात ध्यान रखना भैया, जब जब नगर में गुरु आए, सब काम छोड़ के गुरुओं का सामीप्य ले लेना, क्योंकि ये तो बहती नदी है भैया, कब बहेगी किसी को नहीं पता। तुम आगे का द्वार बंद करोगे तो पीछे का भी खुला है। नानू गुरु जब भी मिले भैया, चरणों के दास बने रहना। क्या कहना? बोलना गुरुदेव, बोले आपसे यही क्यों रहते हो, कुछ काम नहीं है क्या? बोलना आपके चरणों की सेवा करना, यही मेरा काम है। अब साधु लोग चातुर्मास के लिए गमना गमन प्रारंभ करेंगे, ये मत सोचना शिवनी के पास आ जाएं फिर लेने जाते हैं। भैया माना कि एक बिहार करने का नियम उनका है, लेकिन सेवा करने का कर्तव्य आपका है। और सच्चे भक्त की पहचान तो नायक जी बिहार में ही होती है। जब दुनिया एसी में बैठी हो और आप धूप में चुर रहे हो, तो कर्म कहता है तुम तपो हम भी उड़ रहे हैं। गुरुओं की सेवा नगर में आप तो कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, जंगल जंगल चर्या कराओ तब तो कुछ बात है। ऐसी अनंत पर्यायों में सेवा की होगी, तब जाके आज साक्षात गुरु मिले हैं और तीर्थंकर महामुनि का पंचगणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव मनाया है। भगवान भी देखो, भगवान का नियोग देखो पंडित जी, पुण्य की बेड़ियां देखो, समोह शरण में बांध के रखी है। और जब भगवान का पुण्य क्षीण होता है, ध्यान से सुनना, पाप प्रकृति तो कुछ बची नहीं, अब पुण्य प्रकृतियां बची हैं। अब जब भगवान का पुण्य क्षीण होना प्रारंभ होता है, पुण्य का क्षय प्रारंभ होता है, तब कहीं जाकर के भगवान समोह शरण को छोड़कर योग निरोध के लिए जाते हैं। योग निरोध के लिए जाते हैं पंडित जी, बहुत कठिन है। वैभव को छोड़ पाना बहुत कठिन है, वैभव को छोड़ पाना बहुत कठिन है, लेकिन तीर्थंकर महामुनि ना उनको राग है ना द्वेष है, वो वैराग से युक्त हैं, वो वैराग से युक्त हैं। भोजन किया आप लोगों ने? भोजन रोटी बनाने में कितना समय लगता है, है? माँ रोटी बनाने में कितना समय लगता है? 6 महीने लगते हैं, कौन कह रहा था? 6 महीने लगते हैं रोटी बनाने में, 6 महीने लगते हैं। गेहूं उगता है, कटता है, साफ होता है, आपके पास आता है, धुलता है, फिर आप बीनते हो, पहले बीनते की धोते हो,
ऐसा उल्टा नहीं कर लेना, पहले धोते हो, बीनते हो, फिर पीसते हो, फिर कहीं रोटी बनती है, फिर कहीं रोटी बनती है। और रोटी गुटकते हो तो कितनी देर लगती है? कल पनीर की सब्जी थी। रोटी गुटकते हो कितनी देर लगती है? अल्प समय लगता है। ऐसे ही जीव को अनंत समय लग जाता है निर्वाण की साधना के लिए, पर आ ई उ ऋ लिर भगवान का, इतने में मोक्ष हो जाता है।